हेलो एवरीवन माय नेम इज वरदान गर्ग एंड वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट प्रिंस सो भाई प्रिंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा

तो आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ए आई डिस्कस करेंगे ठीक है टाइप्स ऑफ ए आई ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कैपेबिलिटी तो कैपेबिलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे जो ए के टाइप्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो हम जानने वाले हैं कि यार कितने टाइप्स के ए होते हैं एक्चुअली ये तो हम देख ही चुके हैं इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम ये तो देख ही चुके हैं कि कितने टाइप्स के ए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी या कैपेबिलिटी सो so, हमने क्या क्या देखा था नैरो ए है ना जिसको हम वीक आई भी कहते हैं फिर जनरल ए जिसको हम स्ट्रॉन्ग ए भी कहते हैं फिर सुपर ए होता है तो हमने इसके अंदर क्लासिफिकेशन किया है वो तो इससे पहले भी देख चुके हैं और और किस किस कैपेबिलिटी पे या किस किस बेसिस पे और क्लासिफिकेशन किए गए वो भी हम इससे प्रीवियस वाले वीडियो में देख चुके हैं आज इस वीडियो में ये जो नैरो ए है या फिर जो वीक ए है सुपर ए हो गया या फिर जनरल ए हो गया इनके बीच में डिफरेंस क्या है या क्या होते हैं वो आज इस वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ठीक है तो फटाफट चलते हैं डाइविंग करते हैं और इसके बारे में समझते हैं बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि यार अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी जैसे इससे पहले जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया था दैट वाज ऑफ सॉरी दैट वाज ऑन टाइप्स ऑफ ए टाइप्स ऑफ ए जिसमें हमने देखा कि क्या क्या बेसिस पे ए के क्लासिफिकेशन है और क्या क्या क्लासिफिकेशन है ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना हो प्रॉब्लम ना हो ये पहचानने में कि यार क्या क्या हम टाइप्स आगे देखने वाले हैं सो इट इज़ बेटर कि आप प्रीवियस वाली वीडियो देख के आइए और उससे पहले हमने और इंट्रोडक्शन भी एआई के ऊपर सारा देख चुके हैं तो वो भी अगर नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख के आइए बाकी अगर वो वीडियो फेच करने में दिक्कत है या मिल नहीं रही है तो उसके लिए एक सोल्यूशन है क्या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको एक लिंक जो कि होगी कंप्लीट प्ले की ऑफ क्लास एट्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो क्लास एट्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट प्ले मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसी आप उस पर क्लिक करोगे तो क्लास एट्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्ले ओपन हो जाएगी जिसमें आप सारे वीडियो प्रॉपरली uh, अरेज है तो किसी भी जाके वीडियो को आप देख सकते हो और उससे सीख सकते हो ठीक है सो प्लीज़ डू दैट वंस और उसको इवन प्लेट को सेव कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिलने में प्रॉब्लम ना हो ठीक है बाकी uh, बाकी के कि सपोज किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत है तो इसका भी एक सोल्यूशन है क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक और प्रोवाइड कर रखी है जो कि है कंप्लीट प्ले की लिंक प्ले की लिंक तो किंडर गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्थ तक कंप्लीट प्लेलिस्ट्स जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड करोगे जो कि है आपकी बेसिकली जहाँ पे क्लास वाइज एग्जाम वाइज है ना या फिर सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रॉपरली सारी प्लेलिस्ट अरेंज है प्लेलिस्ट ढूंढिए जो भी आपको प्लेलिस्ट चाहिए उस प्ले लिस्ट को सर्च करिए है ना वो प्लेलिस्ट का नाम मिल जाएगा सामने उसकी लिंक होगी जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो प्ले लिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी आप लोगों के लिए तो प्रॉपरली सारा कंटेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज आपको मिल जाएगा तो एक बार उसको जरूर सर्च कर सर्च कर लीजिएगा है ना प्लेलिस्ट को ताकि आपको कंटेंट पूरा मिल जाए ठीक है सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं प्लेलिस्ट ना मिलने की वो हो जाती है सॉल्व और आपको सारी प्लेलिस्ट अब टाइमली मिल जाएगी किसी बिना प्रॉब्लम के ठीक है चलिए अब आते हैं इधर विच इज टाइप्स ऑफ ए आई ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी या कैपेबिलिटी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ठीक है तो ए के क्या क्या काइप्स है कॉम्प्लेक्सिटी और कैपेबिलिटी पे बेस्ड ठीक है सो टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और कैपेबिलिटी इज ऑल्सो रेफर्ट टू एज द स्टेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक बात समझिएगा कि ये जो हम कह रहे हैं ना टाइप्स ऑफ ए आई ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी या कैपेबिलिटी इन जनरल टर्म्स इसको ज्यादा रेफर किया जाता है स्टेजेस ऑफ ए आई के नाम से मतलब अगर आपसे कोई पूछे स्टेजेस ऑफ ए आई बता दीजिए वाट आर द स्टेजेस ऑफ ए आई तब भी आप यही लिखेंगे या फिर यही बताएंगे उनको और अगर कोई टाइप्स ऑफ ए द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी या कैपेबिलिटी तब भी आप यही बताएंगे मतलब टाइप्स के सॉ जो कॉम्प्लेक्सिटी या कैपेबिलिटी बेस्ड टाइप्स है उनको हम स्टेजेस ऑफ ए भी कहते हैं कि ए अचीव करते समय आप ये स्टेजेस को क्रॉस करते हैं ठीक है सो आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ए बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी या कैपेबिलिटी तो राधर should से बल्कि मतलब ये तो हम कह ही रहे हैं कि तीन टाइप्स है AI के ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी या कैपेबिलिटी ये तो हम ही रहे हैं स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं बट इससे बेटर हमें ये कहना चाहिए राधर we से दीज आर थ्री स्टेजेस थ्रू विच ए आई कैन evolve तो इससे बेटर हमें क्या कहना चाहिए मतलब बाकी वही चीज कह रहा हूँ मैं कि दोनों में से कुछ भी पूछे एक ही आंसर है कि अगर अब मैं आपसे पूछूं कि वट आर द थ्री स्टेजेस या मैं ये कह सकता हूं स्टेटमेंट ये लिख सकता हूँ राधर विशुड से कि ये जो तीन हम क्लासिफिकेशन कह रहे हैं दीज आर द्री स्टेजेस थ्रू विच ए आई सॉच ए आई कैन इवॉल्व तो ये वो तीन स्टेजेस हैं जिससे ए आई इवॉल्व हो सकता है ठीक है सो दीज आर द थ्री स्टेजेस क्या क्या है देखिए तो सबसे पहले क्या है आपकी बेसिकली सबसे पहले नैरो तो सबसे पहला स्टेज आता है नैरो आई उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज जनरल ए आई और उसके बाद फिर लास्ट स्टेज क्या आता है लास्ट स्टेज आपका आता है सुपर ए आई तो नैरो ई जनरल ए आई एंड सुपर ए आई इनको आप और भी नाम से जानते हैं नैरो आई को हम कहते हैं वीक ए आई जनरल ए आई को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ए आई और सुपर ए आई तो सुपर ए आई के नाम से है अब बेसिकली ये क्या क्या है या फिर हम कहा एग्जिस्ट करते हैं ये समझिए मतलब ये तो इवोल्यूशन है ना इवोल्यूशन हो रहा है तो इवॉल्व होकर हम कहा पहुंच चुके हैं वो देखते हैं तो बेसिकली अगर हम अपनी बात करें कि हम कहां पर हैं तो ये कुछ है ये आपका नैरो ए आई है ये समझिएगा ये आपका नैरो ए आई है ठीक है ये आपका जनरल एआई है AI, so ये आपका सुपर एआई है ठीक है जनरल एआई सो नैरो एआई में हम कह रहे हैं क्या डेडिकेटेड टू वन टास्क सिर्फ एक काम करने के कैपेबल है परफॉर्म लाइक ह्यूमंस तो ये ह्यूमन बीइंग्स के तरीके से परफॉर्म करता है एंड दी सुपर एआई आर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस तो अगर मैं ओवरऑल एक समराइज करूं चीजों को तो यही कहानी है भाई जो अभी हम देखने ही वाले हैं और डिटेल में कि अगर मैं नैरो एआई की बात करूं तो ये सिर्फ एक काम कर सकता है नैरो एआई सिर्फ एक काम कर सकता है ठीक है जनरल ए आई परफॉर्म कर सकता है जैसे कि ह्यूमन परफॉर्म करते हैं जैसे एज ए ह्यूमन बींग्स हम लोग परफॉर्म करते हैं हम लोग बिहेव करते हैं वैसे ही अगर बिहेव कर पा रहा है तो वो जनरल ए आई है सुपर ए आई वो है जो इंटेलिजेंट हो जाए ह्यूमन्स को मतलब ह्यूमन्स को भी क्रॉस कर जाए मतलब देखो सिंपल सी बात पहले जो है एक काम करेगा कोई फिर वो ह्यूमन बींग बनेगा और फिर ह्यूमन बींग्स को भी क्रॉस कर जाएगा तो जो ह्यूमन बींग को क्रॉस कर जाएगा उसको सुपर कह रहे हैं जो ह्यूमन बींग के साथ चल रहा है मतलब ह्यूमन बींग जैसे ही परफॉर्म कर रहा है उसको जनरल कह रहे हैं और जो अभी इससे बहुत नीचे उसको कह रहे हैं नैरो और हम कहाँ पर हैं भाई सो वी आर हेयर ओनली तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है और फ्यूचर में हम लोग इस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं विच इज जनरल ए और सुपर ए तो फ्यूचर में हम जनरल ए आई और सुपर ए को अचीव करना चाह रहे हैं और प्रेजेंट में अभी क्या है हमारा अभी नैरो ए है तो अगर आप सोच रहे हो कि ए में आप आगे एक रोबोट्स बनाओगे जो बिल्कुल आपके ब्रदर या सिस्टर के तरीके से बिहेव कर रहा होगा बिल्कुल ऐसा होगा बट दैट वुड बी इन नियर फ्यूचर ठीक है फ्यूचर में होगा अभी हम फिलहाल जो है वो का है प्रेजेंट सिचुएशन में नैरो नैरोआई की तरफ है तो हम पहले डेडिकेटेड टास्क बना ले उन टास्क को मिला के फिर हम बना लेंगे एक एक क्या आपका एक जनरल ए ठीक है तो फिलहाल हम कहां पर है नैरोआई पे है विच इज डेडिकेटेड टू वन टास्क फिर हम चलेंगे फ्यूचर में आगे जनरल ए आई पे विच कैन परफॉर्म जस्ट लाइक ह्यूमन बींगस और फिर नेक्स्ट आगे बहुत बड़ी चीज है सुपर ए आई जो कि होंगे इंटेलिजेंट दें ह्यूमन

ठीक है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ए क्या है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ए आई इज वट इज नैरोस ए आई एप्लीकेशन या डिवाइस दैट आर प्रोग्रामड एंड डिजाइंड टू परफॉर्म वन टास्क ठीक है, है. तो ये वो ए आई एप्लीकेशन या डिवाइस को कवर करता है इट कवर्स ए आई एप्लीकेशन या डिवाइसेज दैट आर प्रोग्रामड एंड डिजाइन टू परफॉर्म वन टास्क तो जिनको हम प्रोग्राम करें या फिर डिजाइन करें सच दैट वो सिर्फ एक ही काम कर सके एक बार में ठीक है तो अगर एक काम कोई बंदा कर मतलब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या एक कोई डिवाइस या एप्लीकेशन अगर एक काम कर पा रहा है तो दैट इज वॉट दैट इज नैरो नाम ध्यान रखिएगा नैरो और वीके आई दोनों कह रहे हैं तो अगर नैरो यूज करें या वीक यूज करें सेम चीज ठीक है नैरो आई बोले या फिर वीके आई बोले सेम चीज है

इसमें क्या होता है इसमें जो मशीन्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं एक लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ इंटेलिजेंस ठीक है तो इसमें क्या है जो मशीन्स हैं वो क्या करते हैं वो लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ इंटेलिजेंस को एग्जिबिट करती हैं मतलब ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हम मशीन्स नहीं कहेंगे दीज आर वेरी लिमिटेड

ठीक है इनको किस लिए डिप्लॉय किया जाता है कुछ रिपीटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए इनको डिप्लॉय किया जाता है मतलब एक चीज जो एज ए ह्यूमन बींगस बहुत ज्यादा लेबोरियस है मतलब ह्यूमन बींग्स नहीं करना चाहते क्योंकि बार बार रिपीटेड हो रही हैं ठीक है अननेसरी हम अपने एफर्ट्स और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उस जगह पे नैरो आई को हम डिप्लॉय करते हैं नाउ एट दिस स्टेज द डिवाइस डज नॉट ओन एनी थिंकिंग एबिलिटी अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम कह तो रहे हैं उनको इंटेलिजेंट है बट उनकी कोई थिंकिंग एबिलिटी नहीं है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स ठीक है सो इस स्टेज में द डिवाइसिस डज नॉट ओन एनी थिंकिंग एबिलिटी इनमें कुछ भी थिंकिंग एबिलिटी नहीं है दे डू नॉट हैव एनी थिंकिंग एबिलिटी एंड इट्स फंक्शनैलिटी इज लिमिटेड और इनकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्कोप नहीं है इनके पास बहुत लिमिटेड काम ये कर सकते हैं ठीक है सो एप्पल सीरीज स्पैम ई मेल फिल्टरिंग चेस प्लेइंग कंप्यूटर सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड स्पीच रिकॉग्निशन परचेजिंग सजेशन ऑन ई कॉमर्स साइट्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वीके आई तो वीके आई के जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं रिकमेंडेशन सिस्टम कह लो ऑटोनमस ड्राइविंग कह लो एप्पल सीरी मतलब वॉइस असिस्टेंट कह लो स्पैम फिल्टरिंग कह लो स्पैम ईवेल फिल्टरिंग कह लो ये सब वी के आई के एग्जाम्पल्स हैं बिकॉज ये क्या कर रहे हैं इनके पास एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी है जैसे कि अगर मैं कहूँ सिर्फ गूगल असिटें सॉरी असिस्टेंट की बात करूँ एप्पल सीरी की मैं बात करूँ से एग्जाम्पल मैं आपसे समझाता हूँ अगर मैं सीरी की बात करूँ या फिर मैं एलेक्सा की बात करूँ या फिर गूगल असिस्टेंट की बात करूँ अब उससे मैं सपोज़ कहता हूँ कुछ भी कम्युनिकेट करता हूँ तो क्या होने वाला है सपोज़ मैंने उससे कुछ भी चीज़ कही कि भाई ये कर दो जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग ठीक है दिस सॉन्ग मतलब कोई भी पर्टिकुलर गाना कह दिया कैटेगरी कह दी कि प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग तो अगर वो गाना वो प्ले कर रही है सो दैट इज स्पेसिफिक टास्क मैंने उससे कहा उसने उस चीज को समझा कि मैंने क्या कहा और उसको परफॉर्म कर दिया सो दैट इज वीक दैट इज नई बट अब क्या उस पर्टिकुलर मशीन के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो ये सोच सके कि भाई ये जो मुझसे गाना कहा गया है वो किस लिए कहा गया है या फिर क्या वो मेरा पर्टिकुलर फीलिंग समझ पा रही है दिस सपोज अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ठीक है मैं वर्कआउट करने के मूड में हूँ कि हाँ यार आज तो मेहनत करेंगे आज तो जिम चलेंगे प्रॉपर डम्बल्स वम्बल्स उठाए जाएंगे ठीक है तो मुझे चाहिए एक एक्साइटेड गाना ठीक है तो क्या Amazon Alexa या Siri इस कैपेबल है कि अकॉर्डिंग टू माय बिहेवियर है ना जैसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ उनसे बातचीत कर रहा हूं उससे वो ये समझ पा रहे हैं कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ठीक है और ये जिम जाने वाला है तो इनको अभी फिलहाल क्या चाहिए ये बहुत एक्साइटेड गाने चाहिए तो क्या ये सोच पा रहे हैं वो ये थिंकिंग एबिलिटी है क्या एलेक्सा के पास या फिर सपोज आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया आई एम वेरी सैड टूडे ठीक है तो चेयरिंग सॉन्ग एक मुझे सुनाना चाहिए जैसे सपोज मैं बातचीत कर रहा हूँ बहुत डिप्रेसिंग बातचीत कर रहा हूँ अलेक्सा के साथ सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल मैं एक बहुत डिप्रेसिंग बातचीत कर रहा हूं तो क्या वो अमेजोन अलेक्सा या इतने कि वो को ये चीज़ समझ सके कि यार ये बंदा फिलहाल बहुत ज्यादा उदास है तो हमें कैसे गाने यहां पर प्ले करने चाहिए जो चेरिश हो ठीक है या फिर हमें वो गाने सुनाने चाहिए और ज्यादा डिप्रेस कर दें ठीक है तो वो चीज़ कैपेबिलिटी मतलब हमारे इमोशंस को समझना हमारी फीलिंग्स uh, को समझने की कैपेबिलिटी अभी उन वॉइस असिस्टेंट्स के पास नहीं है बेसिकली वो वॉइस असिस्टेंट्स क्या कर रहे हैं हमारे सिंपली कुछ स्पेसिफिक कोर्स का रिप्लाई कर रहे हैं मतलब जैसे मैंने कुछ कहा कि भाई प्ले दैट सॉन्ग तो वो सिर्फ वो गाना प्ले कर पा रहे हैं दैट्स इट दैट्स इट बट क्या उनके पास थिंकिंग एबिलिटी है

ना आपकी मदर मतलब, आपकी फीलिंग समझ पा रही हैं कि कब आप उदास हो है ना तो उस करस्पॉन्डिंग सिचुएशन में आपको कोई चीज़ें सजेस्ट कर पा रही हैं बिना कहे है ना इवन अगर आप सब वो सरकास्टिकली कोई भी चीज़ कह रहे हो तो उस चीज़ को वो समझ पा रही हैं कि हाँ ये सरकाजम है ये इसका मतलब कुछ और है तो क्या वो सब चीज़ें आपकी मशीन समझ पा रही है क्या वो एलेक्सा या गूगल असिस्ट वो सब कह कर पा रहे हैं क्या उनके पास वो भावनाएं समझने, समझने की इमोशन समझने की कैपेबिलिटी है नहीं है ना अभी फिलहाल क्या है हमने कमांड दिया वो कमांड एग्जीक्यूट कराने की कैपेबिलिटी मतलब एक एल्गोरिथम फॉलो करने की कैपेबिलिटी है उनके पास कि मैंने कहा कि प्ले दैट सॉन्ग उन्होंने वो गाना बजा दिया मैं तो एक सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्ले दैट सॉन्ग उन्होंने गाना बजा दिया बट उन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं करी कि उसके पीछे का थीम क्या है इमोशन क्या है वो उन्होंने समझने की कोशिश नहीं करी नाउ दैट इज वॉट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक आई एंड स्ट्रॉन्ग तो अभी हमारे पास क्या है वही वीक आई है कि हम उनको कुछ कहते हैं वो परफॉर्म कर देते हैं उस टास्क को दैट इज कैपेबल मतलब दे आर कैपेबल इनफ टू डू दैट बट वो ह्यूमन बींग्स के तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे इमोशंस को, को नहीं समझ पा रहे हैं हमारे हमारे जज्बातों को नहीं समझ पा रहे दैट इज है तो बेसिकली क्या है बस वही चीज़ है कि जो आपके डिवाइसेज होते हैं नैरो ए या वी ए आई में उनकी लिमिटेड फंक्शनैलिटी है बहुत कम काम कर सकते हैं ठीक है थिंकिंग एबिलिटी वो ऑन ही नहीं करते उनके पास थिंकिंग एबिलिटी है ही नहीं रिपीटेड टास्क करने के लिए उनको डिप्लॉय किया गया अब जब वो जैसे मैं कहूँ आजकल गूगल असिस्टेंट या अमेजन एलेक्सा हो गया या सीली हो गया सीरी हो गया एप्पल का वो क्या काम करता है सपोज एक घर पे हैं अब मुझे सपोज हर समय टाइम देखना है तो राधा दिन में फ़ोन उठाऊं या फिर सपोज मैं अपने वॉच को ओपन करूं स्मार्ट वॉच अगर सपोज मैं उसको ओपन करूं या फिर मैं इधर धा उधर देखूं घड़ी कहाँ पर है रिपीटेड टास्क है राधा दैन उससे मैं क्या कह दूँ सीधे सीधे अलेक्सा से कहूँ अलेक्सा वट इज द टाइम टूडे प्लीज टेल मी या सॉरी व्हाट इज द टाइम राइट नाउ नॉट टूडे व्हाट इज द टाइम राइट नाउ या व्हाट इज द डेट टू आज दिन क्या है ठीक है तो वो सब पूछने का रिपीटेड टास्क करने का काम कर रहा है आजकल के एलेक्साज या आजकल के वॉइस असिस्टेंट्स अमेजन एलेक्सा या मैं गूगल सीरी की बात सॉरी एप्पल सीरी या गूगल असिस्टेंट की बात करूँ फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा फ्यूचर दे वुड बी गुड इनफ वो हमारे इमोशंस को समझ पाएंगे स्ट्रांग हम जल्दी अचीव कर लेंगे ठीक है सो दे एक्सिबिट ए लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ इंटेलिजेंस और कंप्लीट सिंगल सर्टन स्पेसिफिक टास्क तो बहुत सिंपल से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं बहुत लिमिटेड इंटेलिजेंस होती है इनके पास ठीक है एंड देर डिजाइन और प्रोग्राम टू परफॉर्म जस्ट स्पेसिफिक टास्क जो इनको कहा जा रहा है वो करेंगे ठीक है दे आर नॉट कैपेबल ऑफ थिंकिंग इनफ ठीक है ईच नैरो आई विल कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉगे अब समझने वाली बात यह है कि हर नैरो आई हर स्ट्रॉ ए आई को प्रमोट करेगा मतलब आगे स्ट्रोंग ए आई आप कैसे बिल्ड करोगे कैसे बनाओगे आगे स्ट्रॉन्ग ए आई तो बेसिकली जो आप स्ट्रॉन्ग ए आई बनाओगे वो इन नैरोआई की मदद से ही बनाओगे मतलब नैरो ए आई ही बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा होगा टूवर्ड्स बिल्डिंग स्ट्रांग एआई समझे नाउ अब ये सब चीजें कुछ यार जो मशीन में रहेंगी विच इज अगर एक वीक और नैरो ए आई है तो उसमें लर्निंग एंड रीजनिंग रहेगी प्लानिंग रहेगी अडेप्टेबिलिटी रहेगी विजन स्पीच रिकोगशन ऑटोमेशन मोबिलिटी एक्सेट्रा ये सब रहेंगे ठीक है तो नैरो ए आई बन जाएगा बेसिकली अब कुछ की फीचर्स है नैरो ए आई की वो जरा डिस्कस कर लेते हैं सो so, जो जो नैरो ए आई है वो क्या कर सकता है परफॉर्म आ डेडिकेटेड असाइंड टास्क तो एक डेडिकेटेड जो उसको असाइंड टास्क है ये परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है ये नैरो आई फिर लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ये किसी पर्टिकुलर फील्ड कि एप्लीकेशन में लिमिटेड है मतलब ये पर्टिकुलर फील्ड का ही काम कर सकता है इसको दूसरे फील्ड में आप नहीं ले जा सकते फिर हैज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस तो इसके पास कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस ऑलरेडी होते हैं ठीक है सो so, ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको नैरो पे ध्यान रखने हैं कि ये कुछ एक स्पेसिफिक असाइन काम करेगा ज्यादा इंटेलिजेंस इसमें होती नहीं है ठीक है ये पर्टिकुलर फील्ड पर काम करता है लिमिटेड फील्ड एप्लीकेशन है इसकी और इसके कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस है उसी को यह परफॉर्म करता है ठीक है नेक्स्ट फिर क्या है नैरो और वीके आई के कुछ एग्जाम्पल्स ठीक है सो सम सम्पल्स आर सबसे पहला परफॉर्मिंग वेब वाइड सर्च ऑफ कंटेंट जैसे कि गूगल सर्च है तो so जब आप गूगल सर्च करते हो कुछ भी चीज सर्च करते हो तो उसके रिलेटेड कंटेंट आ जाता है ना नीचे कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हो तो वो जो सर्च इंजन है गूगल किस पे बेस्ड है बेसिकली आपका नैरो वीके आई पे बेस्ड है नेक्स्ट इज रिक्नाइजिंग फेस अमंग सेवरल सिंगल इमेजे सॉरी सिंगल इमेज शॉर्ट और ग्रुप इमेजेस तो सिंगल इमेज शॉर्ट हो सॉरी सिंगल इमेज शॉर्ट हो या फिर ग्रुप इमेजेस हो ठीक है तो सिंगल इमेज शॉर्ट हो या ग्रुप इमेजेस हो उनमें अगर आपको एक सिंगल फेस को रिकॉग्नाइज करना है यू यू विल विल यूज यूज टू आइडेंटिफाई टू अमंग सिंगल शॉर्ट या इमेज शॉर्ट एंड ग्रुप सपोज आपने देखा होगा गूगल फोटोज की खासियत है क्या जैसे सपोज आपने कोई भी फोटो क्लिक करी है एक ग्रुप फोटो क्लिक करी है उस ग्रुप फोटो में या फिर इंस्टाग्राम पर भी अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप फोटो में एक पर्टिकुलर फेस को आप टैग कर सकते हो यार ये क्या है ये कौन बंदा है उसके नाम को आप टैग कर सकते हो ग्रुप फोटो में या फिर सिंगल फोटोज में भी आप टैगिंग कर सकते हो कि हाँ यार ये इस इस बंदे की फोटो है राइट तो वो जो टैग करने वाली कहानी है आइडेंटिफाई करने की आइडेंटिफाई वा, करने वाली कहानी है कि एक एक फेस उसको दिखाया एक फेस अपने सिस्टम को दिखाया कंप्यूटर को दिखाया और वो ये पहचान पा रहा है उस फोटो को देख के कि कौन है उसका नाम बता पा रहा है ठीक है उसके बारे में पूरे उसकी बायोग्राफी दे दे रहा है आपको ठीक है इसके अलावा अगर सब ग्रुप फोटो है तो ग्रुप फोटो में कौन कौन है इंसान वहाँ पे तो वो सब आइडेंटिफाई करने का काम अगर कोई कर पा रहा है तो उस चीज़ को आप किसके अंदर क्लासिफाई करोगे वीके आई या नैरो के अंदर करोगे फिर नेक्स्ट है सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स ऑटोनोमस ड्राइविंग जो है ऑटोनोमस so, ड्राइविंग बहुत ज्यादा चर्चा में है, आने भी वाली है काफी सारे सिंगल 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 फीचर्स फीचर्स इसमें इवन इवन आने आने भी लग गए, आने लग गए गए हैं, हैं, इंडिया की गाड़ियों में वो single, single के, ठीक है ऑटो 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 पार्किंग का, है ना, रिवर्सल से uh, तो सेल्फ ड्रिवन कार्स आपके एक इसका

इंटेलिजेंस लोडेड विद द पॉसिबल डिफरेंट सेट ऑफ कार्ड्स एंड रूल्स ऑफ द गेम तो बेसिकली कोई भी लॉजिकल बेस्ड गेम हो जैसे यहाँ पे भी फिलहाल हमने कार्ड गेम का एग्जांपल दिया तो कोई भी लॉजिक बेस्ड गेम हो जो आपने uh, डिजाइन कर रखा है जैसे कभी कभी मतलब अब कभी कभार मैक्सिमम हर गेम में ये होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको एआई के खिलाफ खेलना चाहते हो या फिर किसी कंप्यूटर से किसी भी ह्यूमन बीइंग के खिलाफ खेलना चाहते हो ठीक है तो ह्यूमन के खिलाफ खेलना चाहते हो तो आपको एक दूसरा इंसान पकड़ के लाना पड़ता है हाँ भाई मेरे साथ गेम खेलो नहीं तो अगर आप कंप्यूटर के खिलाफ खेलो या ए के खिलाफ खेलो तो बेसिकली वो क्या है वो आपका वीक या नैरो आई तो ठीक है फिर नेक्स्ट है आर रोबोट कलेक्टिंग एम फूड ट्रेस फ्रॉम द टेबल्स इन अ रेस्टोरेंट अब ये इंडिया में तो अभी फिलहाल नहीं है बट काफ़ी बाकी अदर देन या आउटसाइड इंडिया काफी डेवलप्ड कंट्रीज में इस चीज़ को इवन डिप्लॉय uh, किया जा रहा है यूज करा जा रहा है कि एक रोबोट जो रेस्टोरेंट्स में से एम फूड को कलेक्ट करने का काम करता है ट्रेस को तो इसका सिर्फ यही काम है तो वो यही कर सकता है अब सपोज ट्रे को कलेक्ट करने का काम है है तो सिर्फ वही कर सकता है। ये फूड सर्विंग का, का काम नहीं कर सकता ठीक है या फिर फूड सर्विंग के लिए बनाया गया तो फूड सर्व करेगा वो ट्रेस मतलब कुछ भी गार्बेज कलेक्शन नहीं करेगा या फिर दोनों के लिए बनाया गया तो वो दोनों करेगा बट उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा मतलब जिस चीज के लिए डिजाइन किया गया वो सिर्फ वही काम करेगा ठीक है तो ये सब भी वीकोन के हैं ड्राइविंग दिस टर ठीक है ये ऑटोनोमस ड्राइविंग नहीं सेल्फ ड्राइविंग नहीं है ये कार ड्राइविंग ठीक है ठीके? मतलब बेसिकली आप एक कार को ड्राइव कर रहे हो कहीं पर बैठ के मतलब ये चीज समझिएगा जैसे सपोज मैं ऐसा कर सकता हूँ मतलब इसका एग्जाम्पल एक एक्चुअली में कार कार ड्राइविंग सीम्यूलेटर का एग्जाम्पल आपको इसमें मिल जाएगा आ, एक मूवी में दिखाया गया दैट इज योर ब्लैक सो ब्लैक मार्वल की मूवी है MCU में, तो उसमें मैं Most नाम भूल रहा ठीक है, तो तो जो Black Panther था, तो जो था, उनकी sister थी उन्होंने एक गाड़ी बनाई थी ने? एक system बनाया था, जिसमें वो सिम्यूलेटर मतलब आ, अपने लैब में बैठ के कार ड्राइव कर पा रही थी दैट इज सेल्फ सॉरी कार ड्राइविंग सिम्यूलेटर ठीक है तो सिम्यूलेट कर दिया आपने गाड़ी ड्राइविंग को सिम्यूलेट कर दिया अब कहीं और बैठ के उसको ड्राइव कर पा रहे हो दैट इज अगेन नैरो आई ठीक है फिर अब वेबसाइटिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द आइटम्स बॉट बाय यूज़र अर्लियर तो एक यूजर ने एक यूजर ने पहले जो भी आइटम्स खरीदे हैं उसके बेसिस पे अगर उसको सजेस्ट मिलेगा वेबसाइट उसको सिमिलर प्रोडक्ट्स सजेस्ट करे ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो ये भी क्या है आपका ये भी वीक या नैरो आई तो है तो वेबसाइट सजेस्टिंग सिमलर प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द आइटम्स बॉट बाय दूसर अर्लियर ठीक है तो ये सब एग्जाम्पल है तो ये था आपका भाई वीक या नैरो आई अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आपके स्ट्रांग या जनरल ए की तरफ ठीक है सो स्ट्रांग और जेनरलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है अब नेक्स्ट हम ये समझेंगे तो वीक नैरो आई समझ में आ गया ना अब चलो इसमें सो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट ह्यूमन बींग्स कैन विद द सेम एफिशियंसी एज दैट ऑफ अ ह्यूमन मतलब जनरल ए या स्ट्रॉन्ग ए क्या है जनरल ए या स्ट्रॉन्ग ए क्या है सिंपल सी बात है ह्यूमन का डुप्लीकेट uh, खड़ा खड़ा करना ह्यूमन बींग्स का जैसे ऐसा ह्यूमन बींग मेरे डुप्लीकेट खड़ा हुआ है तो उसको मैं कहूँगा जो वो सिस्टम है वो क्या है वो जनरलाइज ए आई या फिर स्ट्रॉन्ग ए है क्योंकि ये इसके पास कैपेबिलिटी क्या है दिस स्ट्रॉन्ग ए और जनरल ए कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न एनी इंटेलेक्चुअल टास्क किसी भी टाइप का कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क हो ये सीख सकता है दैट ह्यूमन बींग्स कैन विद द सेम एफिशियम मतलब जो भी एक ह्यूमन बींग सीख सकता है इंटेलेक्चुअल टास्क वो सब ये जनरल ए आई भी सीख सकता है इस जनरल ए आई के पास भी वो कैपेबिलिटीज हैं या स्ट्रॉग ए आई के पास भी वो कैपेबिलिटीज हैं उन इंटेलेक्चुअल टास्क को सीखने की जो कि कौन सीख सकता है जो कि एक ह्यूमन बींग सीख सकता है विद द सेम एफिशियंसी जिस एफिशियंसी से एक ह्यूमन बींग सीखता है उसी एफिशियंसी से ये आपका स्ट्रांग है जनरल एआई पे सीख सकता है दैट इज सिस्टम्स व्हिच आर एट लीस्ट एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बीइंग्स मतलब ये सिस्टम्स वो सिस्टम है जो कम से कम इतने इंटेलिजेंट तो हैं जितने कि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं अब दे आर एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बीइंग्स जैसे जितने इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स है उतने ही इंटेलिजेंट ही सिस्टम होते हैं एट उस बैरियर तक तो पहुंचो आप ठीक है

सोचने के अलावा ये जो उन्होंने नॉलेज या लर्निंग सीखी है ग्रैब करी है उसको ये रिटेन भी कर पाते हैं डेवलप्ड बाय द टास्क अकम्प्लिश तो कोई भी टास्क करने के बाद जो भी लर्निंग्स है इसको इवन रिटेन स्टोर कर पाते हैं

दे आर प्रोग्राम टू हैंडल सिचुएशन इन विच दे में प्रॉब्लम विदाउटन इंटरवेंशन अब यह इंपॉर्टेंट टास्क पॉइंट है दे आर प्रोग्राम टू हैंडल सिचुएशन अब इनको प्रोग्राम किया गया है ताकि हैंडल कर सके क्या सिचुएशन को इन विच दे में बी रिक्वायर जिसमें इनको जरूरत हमें जरूरत पड़े इनकी टू सोल्व प्रॉब्लम विदाउट हैविंग इन ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब हम इनको इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं कि हम इनको उस सिस्टम में डिप्लॉय कर सके, ऐसी जगह लगा सके, जहाँ पे ह्यूमंस की ज़रूरत ही ना पड़े ये इंडिपेंडेंटली कोई भी काम कर ले मतलब अगर अभी मैंने आपको एक रोबोट का एग्जांपल दिया जो आपकी जो भी ट्रैश है सपोज जो भी ट्रैश प्लेट्स हैं मतलब ऐसी कोई भी प्लेट्स हैं जो फिर जो भी जो जो कि डिस्कार्ड करनी है फिर हटानी है मतलब सपोज सर्व करी गई कोई भी प्लेट ठीक है कस्टमर को कस्टमर का जो भी कंजम्पन वाला पार्ट था वो कंज्यूम कर लिया उन्होंने अब जो भी आ, प्लेट्स बची हुई हैं या फिर गार्बेज वगैरह कंटेनर बचा हुआ है मतलब टिश्यूज़ वगैरह या फिर पेपर वगैरह जो भी है डिस्पोज ऑफ जो भी करना है वो सब करने का काम कर रखा है नो ये एक स्पेसिफिक टास्क करना इज व्हाट ये टास्क करना इज योर वीक है बट अगर मैंने एक रोबोट ऐसा बना दिया जो एक पूरे स्टोर को हैंडल कर सकता है मतलब स्टोर के सारे चीजें बनने से बनने से शुरुआत होके मतलब कोई भी फूड प्रोडक्ट सिर्फ अभी फिलहाल मैं फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ सपोज मैं मैकडोनल्ड्स की बात करूँ मैकडी की बात करूँ मैकडी में सपोज मैं एक ऐसा रोबोट बना दूँ या एक रोबोट सेटअप करा दू वहाँ पे जो स्टार्टिंग फ्रॉम मेकिंग पार्ट मतलब बर्गर्स वगैरह बनाने से लेकर बनाने से लेकर मतलब रॉ मटीरियल उसके पास पहुँचा दिया किसी ने ठीक है मतलब अब उसको स्टोर से बाहर कहीं जाना उसको स्टोर पर ही रहना है स्टोर पर उसको सारे रॉ मटेरियल पहुँचा दिया उस रॉ मटीरियल से बर्गर्स बनाने का काम बनाने के बाद सर्व करने का काम अच्छा सर्विंग से पहले सर्विंग से पहले आ गया बनाने का काम उसके बाद ऑर्डर लेने का काम कस्टमर से ऑर्डर लेके ऑर्डर डाल के उससे पेमेंट कलेक्ट करने के बाद मतलब तो पेमेंट कलेक्ट करना जो भी बचा हुआ पैसा है वो वापस कर देना ठीक है उसके बाद उसको सर्व करना फिर वो जो भी ट्रैश हो उसको डिस्पोज ऑफ करना उसके बाद प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह करना अगर ये सब हैंडल करने की कैपेबिलिटी एक रोबोट में आ जाए मतलब पूरा एक स्टोर एक मैगडी का स्टोर या किसी भी स्टोर मतलब कोई भी स्टोर की बात करूँ डोमिनोज हो के एफ सी हो पिजट हो कुछ भी हो सब कोई भी पर्टिकुलर स्टोर को पूरा एक हैंडल करने की अगर कैपेबिलिटी रखता है एक रोबोट सो दैट इज वॉट दैट इज जनरल ए आई या स्ट्रॉन्ग है मतलब उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन एज ए ह्यूमन बींग मुझे जाने की जरूरत ही ना पड़े दैट इज योर और ये ठीक है सो so यही चीज हम फिलहाल पहले तो अभी अचीव करना चाह रहे हैं कुछ कुछ लेवल तक कर भी पाए हैं देखो क्या है अब एक्चुअली में अगर मैं सही बताऊं तो है कहा हम लोग हम लोग वीक ये तो अचीव कर चुके हैं वीक ये तो कर ही चुके हैं पूरी तरीके से स्ट्रांग कुछ कुछ एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत टच कर चुके हैं हम स्ट्रॉन्ग ए को अभी इवन एग्जाम्पल्स भी दूंगा मैं ऐसे कुछ कुछ टचिंग्स हम कर चुके हैं ठीक है बट वो भी मैं कहूंगा कि सिर्फ दो परसेंट टचिंग कहूंगा कि हम स्ट्रॉग ए आई जर्नलाइज ए को दो परसेंट टच किया है अभी तक हमने बस अभी नाइनटी एट परसेंट ये बचा है और पूरा अभी आपका सुपर ए आई बचा हुआ है सुपर ए आई क्या है आगे तो आई थिंक so, आपको स्ट्रांग एआई जर्नलाइज ए क्या है इन दैट परसपेक्टिव समझ में आ गया होगा मतलब फुल्ली फंक्शनल बॉडी मतलब एक बॉडी जो पूरी तरीके से ह्यूमन uh, बींग्स को रिप्लेस कर सके ठीक है जैसे कि एक स्टोर हैंडल करने के लिए हमें एक ह्यूमन बींग चाहिए ना एक कोई भी स्टोर हैंडल करने के लिए और सिर्फ एक नहीं काफी सारे लोग चाहिए ठीक है जहाँ पे मैनेजर होगा फिर आपके बनाने वाले होंगे कुक होंगे फिर सर्व करने के लिए होंगे लोग ठीक है तो हमारे पास काफी सारे मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक स्टोर को हैंडल करते हैं अगर उसको एक ग्रुप ऑफ रोबोट्स हैंडल कर पाए सो दैट इज वट दैट इज योर स्ट्रॉन्ग और ठीक है चलिए आई होप दिस इज क्लियर है ना नाउ इन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच मेक्स फॉर द स्कोप ऑफ एक्चुअली अब बेसिकली ये इस टाइप की इंटेलिजेंस है है ना जो एक्चुअल स्कोप एआई का रखती है मतलब इससे पहले जो है उसको आप बोलते तो हो एआई बट एक्चुअली वो एआई नहीं है यार वो ऑटोमेशन है आगे हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे बल्कि ठीक है व्हाट इज ऑटोनॉमस या ऑटोमेटेड में क्या डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे डोंट वरी अबाउट दैट बट ये चीज समझेगा कि इससे पहले वाले जो ए आई है उसको आप रियली really में ए आई नहीं कह सकते वो इंटेलिजेंस का इतना बड़ा स्कोप नहीं है ठीक है क्योंकि आप वो एक टास्क परफॉर्म करवा पा रहे हो दैट इज नॉट द एक्चुअल स्कोप ऑफ ए आई ठीक है, बट लाइक दैट ऑफ अ चाइल्ड एंड लेटर दे लर्न एंड ग्रो इन इंटेलिजेंस लाइक दैट ऑफ एन अडल्ट आप बिल्कुल इन मशीन को स्ट्रॉन्ग या जनरल को इस तरीके से समझ सकते हो दीज आर सच मशीन जिनके पास इनिशियली बिगनिंग में क्या होगा ब्रेन होगा अ टाइप ऑफ मतलब लाइक दैट ऑफ अ चाइल्ड जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है पैदा होता है इनिशियली जब वो पैदा होता है जब वो बिल्कुल छोटा सा होता है uh, दो तीन महीने का या फिर मैं कहूँगा जब दो तीन साल तक का होता है तो तब तक उसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती इवन वो बोल भी नहीं पाता चल भी नहीं पाता एक साल हो मैं बोलूँगा एक डेढ़ साल तक इवन वो चल भी नहीं पाता ठीक है फिर वो कुछ समय में चलना सीखता है बोलना सीखता है समझता है चीज़ों को क्या चल रहा है चारों तरफ धीरे 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 सीख सीख के चीजें आगे अडल्ट बनता है और इस कैपेबल होता है कि अब वो अपनी सराउंडिंग से चीजें सीख सकेगा उनको रिस्पोंड कर सकेगा कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकेगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा वो सब कैपेबिलिटी उसमें धीरे धीरे डेवलप होती है हम स्ट्रॉन्ग या जनरल को इसी तरीके से समझ सकते हैं ये उसी तरीके से मशीन्स हैं जो बिगनिंग में बिल्कुल एक बच्चे की तरीके से बिहेव करेंगी जिसको कुछ भी नहीं आता ठीक है अभी उसने इवन बोलना भी नहीं सीखा है चलना भी नहीं सीखा है ठीक है तो इनिशियली वो बच्चा हम मतलब मशीन को उस बच्चे की तरीके से ट्रीट करेंगे और धीरे धीरे ये खुद ब खुद कभी कभार ये खुद ब खुद सीखेगा फिर या फिर हम उसको सिखाएंगे हम सिखाएंगे या खुद सीखेगा वो धीरे धीरे सीख सीख के वो ग्रो कर जाएगा एक ऐसी इंटेलिजेंस जैसे कि एक अडल्ट की होती है मतलब फिर वो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के तरीके से बिहेव करने लग जाएगा सो दिस इज द एक्चुअल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यूचर फॉर ए आई दिस स्टेज ऑफ ए आई इज स्टिल इन एवोल्यूशन ठीक है मतलब ये अभी भी इवॉल्व हो रही है ये स्टेज अभी भी इवॉल्व हो रही है अभी भी इवॉल्व नहीं है अभी भी इसमें रिसर्च चल रही है अगेन आई टोल्ड यू और ये मैंने एक रफ फिगर दी इसको लेके मत बैठ जाएगा मैंने रफ फिगर दिया है दो परसेंट ठीक है दो परसेंट अभी तक हमने अचीव किया अभी आगे बहुत बहुत लंबी कहानी बची है एंड रिसर्चर्स आर वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग मशीन हैविंग जनरल ए और रिसर्चर्स अभी इस पर काम कर रहे हैं कि ये एक मशीन बना सके जिनमें जनरल ए हो ये अभी बहुत और काफी एफर्ट्स भी इसमें लगने वाले ताकि हम एक ऐसा सिस्टम बना सके जो कि टास्क इतने परफेक्शन से कर पाए जैसे कि ह्यूमन बींग मतलब वही चीज देखो क्या हुआ जैसे पहले हमें बनाने में समय लगा ह्यूमन बीइंग्स को नैरो AI बनाने में समय लगा, नैरो AI से जनरल AI जाने में भी समय लगेगा अभी कंसीडरबल काफी समय लगेगा ठीक है मतलब ह्यूमन बीइंग्स के तरीके से परफेक्शन लाना एक रोबोट में अभी समय लगेगा उसमें बट इसके बाद आएगा भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्योंकि अगर आपने एक बार एक सिस्टम बना दिया जो कि ह्यूमंस की तरीके से सोच पा रहा है अब वो जो रोबोट आपने बना दिया है उसको ना रुक ना उसको भूख लगती है ना वो रेस्ट करता है ना वो आलस करता है ना वो बोर होता है मतलब कुछ भी नहीं है मतलब जो भी फिलहाल ह्यूमन बींग्स की मैं कहूँगा एक तरीके से डिसडवाटेजेस है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं है जिसकी वजह से अब वो अनलिमिटेड वर्क कर सकता है अनलिमिटेड सोच सकता है अनलिमिटेड आइडियाज है उसके पास इंप्लीमेंट भी कर सकता है तो देखो आगे फिर वो सुपर एआई कितनी तेजी से बनाएगा तो आगे फिर वो सिस्टम बहुत जल्दी ग्रो करेगा मतलब स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक ए का डेवलपमेंट या स्ट्रॉग ए का डेवलपमेंट धीरे है ठीक है स्लो है बट आगे आप देखोगे कि जो आपका सुपर ए है उसका डेवलपमेंट बहुत तेज है ठीक है अगर हम आगे बढ़े तो की फीचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ए कुछ की फीचर्स की हम बात करें स्ट्रॉग ए की तो पहला है परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क इन चेंजिंग कंटेक्स

ठीक है थिंक एंड रिस्पॉन्ड लाइक ह्यूमस और ये इवन इंसानों के तरीके से सोच कर सकता है इंसानों के तरीके से बिहेव कर सकता है रिस्पॉन्ड कर सकता है कैपेबल ऑफ अपलाइंग रिटेन टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम यह कैपेबिलिटी है किस नई नई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो इसके पास नॉलेज है अभी तक एक्वायर्ड मतलब इसने अलग अलग सिचुएशन में जिस तरीके से चीजें सीखी उस सीखी हुई चीजों को जब ये लगा पा रहा है बाकी नई प्रॉब्लम्स में सो दैट इज योर स्ट्रॉन्ग ए आई या जनरल ओके okay. सही है भाई नेक्स्ट इज अब कुछ एक्सपेक्टेड सीनारियो एग्जिस्ट तो करते नहीं है स्ट्रॉन्ग ए आई भी एग्जिस्ट तो करता नहीं है तो दे नहीं सकते बट कुछ एक्सपेक्टेड एग्जांपल्स या कुछ एक्सपेक्टेड सिनारियो जिसमें स्ट्रॉग ए को कुछ आउटपुट दे रहा होगा क्या देखो सेल्फ लर्निंग डायग्नोस्टिक सिस्टम लोडेड विद इनफॉमेशन रिगार्डिंग डिजीजेज आप खुद इमेजिन करो एक सेल्फ लर्निंग डायग्नोस्टिक सिस्टम हो मतलब एक सिस्टम बना दिया जाए ओवरऑल जिसमें आप अपने सिम्टम्स डालिए आपको बिल्कुल प्रिसाइज आपकी क्या मिल जाएगी डिजीज मिल जाएगी कि डिजीज आपको क्या है उसके प्रिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर मिल जाएगी क्या आपको दवाई लेनी चाहिए वो सब अगर हो जाए और ट इज मोर परफेक्ट देन अ पर्टिकुलर डॉक्टर सेल्फ लर्निंग डायग्नोस्टिक सिस्टम में चाहिए क्या होगा इसको लोड करना पड़ेगा हमें इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग डिजीजेस एंड पॉसिबल सिम्टम्स अलॉन्ग विद रूल्स टू डायग्नोस द डिजीज अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने इसको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी और इससे काम चल गया इससे काम नहीं चलता भाई है ना हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता जरूरी यह है कि खुद सीख सके चीजों को अगर इसमें खुद सीखने की कैपेबिलिटी नहीं होगी तो हमें हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है इसमें खुद लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए तभी किसी काम का है ठीक है नाउ एन एयरप्लेन ट्रेनिंग सिस्टम दैट फंक्शंस विदाउट द हेल्प ऑफ अ ट्रेनर ठीक है अब एयरप्लेन ट्रेनिंग सिस्टम हो अगर जो बिना किसी ट्रेनर के काम करे मतलब बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के काम करे ठीक है अन इंटेलिजेंट दैट अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड्स एंड सजेशन सॉरी एन इंटेलिजेंट बॉट दट अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड्स जेस्ट सोल्यूशन लर्न इंटेलिजेंस मतलब एक चार्टोड जो कस्टमर की इमोशंस को फीलिंग्स को, को समझ सके और फिर उसके बेसिस पे उसको सोल्यूशन सजेस्ट करे अकॉर्डिंग टू द लर्न इंटेलिजेंस जो सीखा हुआ है उसने या फिर जो उसको समझ के वो चीज़ सीख पा रहा है उसके बेसिस पर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करे मतलब ये नहीं कि एल्गोर्थम प्रोग्राम है कि ये बोलेगा कस्टमर तो आपको ये अप्लाई करना है वो चीज़ नहीं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर जैसे सपोज अभी भी हम काफी सारे चैटबॉर्ड से देखते हैं क्योंकि अब चैटबॉर्ड तो बहुत सारे आ गए हैं अब हर जगह जहां पर भी कोई भी कंपनी आप ले लो किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं विच एवर कंपनी यू वॉन्ट अगर मैं कस्टमर ट्वेंटी फोर क्रॉस सेवन जो कस्टमर सपोर्ट होता है ट्वेंटी फोर क्रॉस सेवन जो कस्टमर सपोर्ट होता है उसमें जब भी आप अपनी कोई क्वेरीज डालते हो तो वहां पर क्या है कुछ फिक्स ऑप्शन है मतलब इन ऑप्शन में से आप क्लिक करोगे तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा क्या है फिक्स्ड है मतलब आपने क्या कर दिया उसको एल्गोरिथम दे दिया कि ये करोगे तो ये करना है मतलब कस्टमर ये प्रेस करेगा तो आपको ये देना है कस्टमर ये प्रेस तो ये प्रेस करेगा तो आपको करना है बट क्या ऐसा होता है वहां पे कि वो हमको अलाउ करता है कि आप अपना कोई भी जो भी क्वेश्चन है वो टाइप करिए वो चार्टॉर्ड उस क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं आप और आपका आउटपुट कर देगा ऐसा कभी हुआ है क्या नहीं हुआ ना तो यही चीज है कि अगर ये चार्टॉर्ड बना सके तो दैट वुड बी अ स्ट्रॉन्गर जनरलाइज्ड एआई ठीक है मतलब अगर मैंने एक ऐसा चैटबोर्ड बना दिया किसी कंपनी के लिए जो उसकी सारी कस्टमर आ, सपोर्ट को हैंडल कर पा रहा है तो इससे बेटर तो क्या ही हो होगा सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो कंपनी से ठीक है अ टीचिंग रोबोट दैट बाय आंसरिंग स्टूडेंट्स क्वेरीज एंड देयर बाय एनहैंसिंग इट्स टीचिंग स्किल्स एक टीचर को आप रिप्लेस कर सकते हो एक टीचिंग रोबोट बना दिया जाए जो स्टूडेंट्स के आंसर जो भी स्टूडेंट आंसर कर रहा है जो भी स्टूडेंट्स क्वेरीज कर रहा है उनसे सीख कर ठीक है उनसे सीख कर एंड देयर बाई एनहैंसिंग द टीचिंग स्किल्स और अपनी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव कर कर करके जिस भी लेवल पे बच्चा है उस लेवल पर उसको पढ़ाया जाए सपोज उसके बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स है बेसिक्स पढ़ाया जाए बेसिक्स स्ट्रांग हो गए उसको एडवांस चाहिए तो एडवांस पढ़ाया जाए मतलब अकॉर्डिंग टू द बच्चा जो भी पर्टिकुलर चाइल्ड है सब सामने उसके क्वेरीज उसके जो भी क्वेश्चन है उसको समझ के फिर उसको पढ़ाए अपनी टीचिंग स्किल इंप्रूव करे सो दैट इज व्हाट दैट इज व्हाट अ टीचिंग रोबोट वी कैन बिल्ड और यही होगा आपका बेसिकली स्ट्रांग जनरलाइज और अगर मैं कहूँ एक अच्छी टीचर की भी यही पहचान होती है मतलब एक टीचर में डिफरेंस खास आता है इसी चीज़ में आता है कि अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड जो सामने वाला बच्चा है उसको देख के उसको समझ के कि उसका लेवल क्या है उसको अगर कोई टीचर पढ़ा सके समझा सके इम्प्रूवमेंट ला सके उसमें वही एक अच्छा टीचर माना जाता है ठीक है तो कहने को आप ये तो करवा सकते हो एक रोबोट से कि हाँ तुमको ये चीज लेक्चर दे जैसे सपोज एक टीचर है सिर्फ लेक्चरिंग कर रहा है मतलब वो आ रहा है लिख रहा है बोल रहा है खत्म काम मत चला जा रहा है ठीक है तो ये तो एक रोबोट से करवा सकते हो उसको ट्रेन कर सकते हो कि तुम्हें जाना ऐसे ऐसे चल के जाना है ये ये चीज़ें लिखनी है ये चीजें बोलनी है वापस आ जाना है खत्म काम ये तो मैं एक रोबोट से करवा सकता हूँ ये क्या हो गया ये आपका हो गया वीक ए ठीक है या नैरो ए आई जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई क्या होगा अगर मैं उस रोबोट को इस तरीके से ट्रेन कर सकूं कि वो क्लास में जाके बच्चों के क्वेरीज को हैंडल कर सके सो दैट इज व्हाट दैट इज बेसिकली योर स्ट्रॉन्ग या जनरल ए ठीक है उनको जो भी क्वेश्चंस है उसको आंसर कर सके या फिर उनके क्वेश्चंस के बेसिस पे ये समझ सके कि एक्चुअली शुरुआत करनी कहाँ से पढ़ाने की मतलब आप अपने हिसाब से पढ़ाए जा रहे हो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा तो किसी काम की बात वो चीज या जो आपने पढ़ा है वो किसी काम का किसी काम का नहीं है सो बेटर ये है कि आप सामने वाले को समझो और उसके साथ चलो ठीक है तो दैट इज योर स्ट्रॉन्ग और जेनरल जो हम अचीव करना चाह रहे हैं ठीक है अब इसका एक एग्जाम्पल है आई बी एम वाटसन आई बी एम ने एक वाटसन अपना सिस्टम लॉन्च किया था उसमें चीज है वाटसन इज एन बेस्ड क्वेश्चन आंसर सिस्टम ये बेसिकली डिजीज से रिलेटेड है ना तो ये ए आई बेस्ड क्वेश्चन आंसर सिस्टम है क्वेश्चन लैंग्वेज मतलब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कोड करके नहींचुरल लैंग्वेज में आप जो भी अभी भी आप कहा था कि अगर मैं एक सकूं, कि जो आप टाइप करो उसको समझ के फिर आपको आउटपुट कर सके आंसर दे सके सो दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन अचीव वही हम यहाँ पर भी कह रहे हैं आई बी एम वाटसन यार एक सिस्टम आईपीएम सिस्टम है क्वेश्चन आंसर बेस्ड सिस्टम है

कैंसर सेंटर न्यूयॉर्क वेयर इट हेल्प्स इन लंग कैंसर ट्रीटमेंट तो इसका सक्सेसफुल सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन था? मेमोरियल स्लोवान के ठीक है स्लोवान के मेमोरियल स्लोवान के कैंसर सेंटर ठीक है तो ये कैंसर सेंटर का नाम है मेमोरियल स्लोवान के कैंसर सेंटर न्यूयॉर्क में है ये ठीक है और इसने लंग कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प किया था आईबीएम वॉटसन ने

उसके बाद अच्छा खुद से इसने गैदर किया ये सब डेटा और फिर इसने एनालाइज किया वो इमेन्स अमाउंट ऑफ डेटा को टू जनरेट सॉरी टू जनरेट वेरियस हाइपोथेसिस व्हिच हेल्प इट टू आंसर द न्यू क्वेश्चंस पोस्ट बाय द यूजर्स अब इसने एक हाइपोथिस मतलब एक अपने लिए अंडरस्टैंडिंग हाइपोथेसिस अभी आप समझ लो एक अंडरस्टैंडिंग बना ली हाइपोथेसिस अभी आपको समझ में नहीं आएगा उसके लिए और भी टर्मिनोलॉजी सीखने की जरूरत है है ना जब आप एल्गोरिथम बनाते हो तो उसमें एक हाइपोथेसिस करके टर्म आता है फिलहाल हम उस चीज को नहीं समझ रहे फिलहाल आप ये समझिए कि इसने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली इस तरीके से कि कोई भी अगर एक नया यूजर इससे कोई भी क्वेश्चन करता है उसका आंसर देने के कैपेबल हो गया था ये कोई भी फ्रेश क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी रखता था ये व्हाट्सएप तो हम कह रहे हैं ना क्वेश्चन आंसर बेस्ड सिस्टम है ये ठीक है नो इट रनस ऑन लिनक्स सॉरी इट रनस ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 90 पावरफुल सर्वर कंप्यूटर्स ऑफ आईबीएम इक्विप्ड विद 16 टेराबाइट रैम एंड थ्री या 5 गीगाहर्ट्ज एट कोर माइक्रोप्रोसेसर्स तो इतना पावरफुल था ये सिस्टम

ठीक है अब इसके ये था आपका स्ट्रॉन्ग uh, या फिर जनरल एआई अब इसके नेक्स्ट जो लास्ट है दैट इज योर सुपर एआई ठीक है लास्ट इज योर व्हाट लास्ट इज योर सुपर सुपर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके नाउ व्हाट इज सुपर एआई सो सुपर एआई सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम वेयर मशीन्स कुड सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस तो सुपर एआई सुपर एआई एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जहां पे मशीन सरपास कर सकते हैं ह्यूमन ह्यूमन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस को, मतलब सकता है इंटेलिजेंट मतलब, नहीं है सिस्टम रिपीटेड टास्क करने के लिए ठीक है मतलब ऐसे काम जिससे ह्यूमंस बोर हो चुके हैं बोर हो जाते हैं और वो अपना टाइम कंज्यूम करवाना नहीं चाहते अननेसेसरी का

उस तरीके से आपका ये सिस्टम बिहेव कर सकता है उस तरीके से आपका सिस्टम ये काम कर सकता है दैट इज योर वॉट दैट इज योर दिस विच इज़ जनरल ए आई या फिर आपका स्ट्रोंग ए आई अब इसके बाद नेक्स्ट या लास्ट स्टेज आया है आपका सुपर ए आई तो सुपर ए आई वो सिस्टम्स हैं जो ह्यूमन को भी सरपास कर जाए ह्यूमन कैपेबिलिटीज को भी सरपास कर चुके हैं मतलब अब ये ह्यूमन से ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं ह्यूमन से ज़्यादा परफेक्टली किसी काम को कर पाए

कोई प्रूफ नहीं है या कोई भी इसका इवन कोई सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता या फिर कोई भी इसका मैप नहीं एग्जिस्ट करता या फिर मैं कहूँगा इसको मैंने वर्ड स्किप कर रहा है एक्चुअली दिमाग से

इज स्टिल अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है मतलब इसको कोई जीता जा सकता अभी फिलहाल कोई भी एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करता है फिलहाल कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो सुपर ए हो तो बिल्कुल ही सोचा हुआ चीज है ये कि हाँ नियर फ्यूचर हम आगे अचीव करेंगे इसको ठीक है अब इसका सिस्टम का डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऑफ इन रियल इज स्टिल वर्ल्ड चैलेंजिंग टास्क मतलब इसका इवन डेवलपमेंट भी अभी फिलहाल एक वर्ल्ड चैलेंजिंग टास्क है मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है इवन इसको डेवलप करना भी तो अभी डेवलपमेंट बहुत दूर है इसके ठीक है हाँ प्रोटोटाइप वर्ड आ गया याद मुझे प्रोटोटाइप इसका कोई प्रोटोटाइप वगैरह कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम्पल बता सके ठीक है रियल लाइफ में ना उतारा हुआ हो लैब्स में एग्जिस्ट करता हो लैब्स में करता इसका इवेंट प्रोटोटाइप एग्जिस्ट नहीं करता, इसका भी नहीं करता कुछ भी नहीं करता ठीक है इसका। तो ये आपका बेसिकली सुपर है, है अब नेक्स्ट हम लास्ट करेंगे भाई क्लास सॉरी डिफ्रेंसिएशन मतलब डिफरेंस आनेगे बेसिकली बिटवीन वीक आई एंड स्ट्रॉन्ग ए सो वीक ए आई वर्सेज स्ट्रॉन्ग ए का सबसे पहला पॉइंट पहला पॉइंट इज वीक ए आई इज फोकस्ड ऑन अ सिंगुलर स्पेसिफिक और लिमिटेड टास्क वीक ए आई किस पे फोकस्ड रहता है किस पे किस पे इसका मेन ध्यान है सो वीक ए इज फोकस्ड ऑन सिंगुलर स्पेसिफिक और लिमिटेड टास्क मतलब ये एक लिमिटेड और स्पेसिफिक टास्क ही कर सकता है बट अगर मैं स्ट्रॉग ए की बात करूं ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एक बात ध्यान रखना भाई इस डिफरेंस को बहुत क्लियरली समझिएगा बिकॉज आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन कि यार बता दीजिए वीक ए और स्ट्रॉग ए में क्या डिफरेंस है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत जनरल सा क्वेश्चन है आता ही आता है पूछा ही जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा ना ध्यान से समझिएगा

थर्ड इज इट लैक्स आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस और कॉग्निटिव एबिलिटीज तो इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज या कॉन्शियसनेस नहीं है मतलब वो फीलिंग नहीं है इसमें ठीक है वो फीलिंग वाली बात वो इमोशन समझने वाली बात वो सेंसेस नहीं है इसके पास ठीक है मतलब वो चीज़ें समझ नहीं पा रहा है ठीक है मतलब इसमें परसेप्शन नहीं है ठीक है जो हमने कागनेटिव एबिलिटीज भी पढ़ रखी है ठीक है तो वो एबिलिटीज वीक आई में नहीं है में वो सब है सो इट हैज ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस एंड कॉग्नेटिव एबिलिटीज तो स्ट्रॉन्ग एआई आई में ह्यूमंस के तरीके से इसमें कॉग्नेटिव एबिलिटीज या फिर कॉन्शियसनेस है ठीक है वीक एआई आई इट कैन नॉट सॉल्व अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम जो इसने कभी देखे ही नहीं नए नए प्रॉब्लम इसके पास आ गए हैं ये उसको सॉल्व नहीं कर सकता वीक इज नॉट कैपेबल ऑफ सॉल्विंग अनफेमिलियर प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग ए की अगर मैं बात करूं सो इट कैन सॉल्व अनफेमिलियर फेम्यूलियर प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जो इसने कभी देखी ही नहीं है ऐसी प्रॉब्लम जो इसने कभी देखी ही नहीं उनको भी सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है स्ट्रॉन्ग ए वीके के बहुत सिंपल से एग्जांपल्स एलेक्सा सीरी ये सब इसके एग्जांपल हैं वी के ठीक है एलेक्सा एमेजोन एलेक्सा या फिर एप्पल सीरी ये सब एग्जांपल है वी के आई के स्ट्रॉग ए आई इज अपोथेटिकल कंसेप्ट विच डज नॉट एग्जिस्ट येट इन इट्स ट्रू फॉर्म तो ट्रू फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता मैंने कहा ना कुछ कुछ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता ट्रू फॉर्म नहीं है ठीक है बट आगे देखने को मिलेगा आपको एडवांस रोबोटिक्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉग ए तो जो एडवांस रोबोटिक्स है वो इसका एग्जाम्पल है जो आप आगे देखने को मिलेगा मतलब इस पर काम चल रहा है बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है हम एक्चुअली इसी को सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये आपको नियर फ्यूचर देखने को जरूर मिलेगा ठीक है तो आई होप इसके साथ आपको वीक ए आई और स्ट्रॉन्ग ए में डिफरेंस क्लियर हो चुका है तीनों टाइप्स के ए क्लियर हो चुके हैं विच इज योर वीक ए आई या नैरो आई जो कि सिर्फ एक ही काम कर सकता है इंटेलिजेंट है ही नहीं वो रेपिटेटिव काम करने के लिए बनाया गया है जो आपके चारों तरफ है ठीक है जितने भी एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हो आसपास अपने ए के वो सब वीक या फिर नैरो ए के अंदर आते हैं इसके बाद सेकंड आता है आपका स्ट्रॉन्ग ए या जनरल ए ये एक इस टाइप का इंटेलिजेंस है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं जो हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं जो हम सीखना चाह रहे हैं जिस पर रिसर्च चल रही है जो कि आपका है बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लीकेट करना डुप्लीकेट करना जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन काम करता है ह्यूमन बींग्स काम करते हैं ह्यूमन बींग्स हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं वो सब हम एबिलिटी अगर एक मशीन में ला पाए तो हम बना पाएंगे स्ट्रॉन्ग ए या फिर जनरल ए इसके बाद थर्ड कैटेगरी आपकी एग्जिस्ट करती है सुपर ए जो फार बियॉन्ड है ना सुपर ही है वो बेसिकली वो ऐसा सिस्टम है या ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी बीट करके एक इंटेलिजेंस बना पाए मतलब एक सिस्टम बना पाए एक एक इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसा बना पाए जो ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो अब ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाए हम ऐसा इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं सुपर ए में सो so, सुपर ए विल सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस ठीक है तो सुपर इंटेलिजेंस आपका वो हो गया जो आई होप क्लियर है तो ये हो गए भाई आपके तीन टाइप्स के इंटेलिजेंस जो आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं डिफरेंस भी क्लियर हो चुका है अब नेक्स्ट हम आगे जो करेंगे दैट वुड बी योर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ एआई एआई या टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी तो नेक्स्ट जो आपको देखना है वो फंक्शनैलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखना है सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट वीडियो बिकॉज वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसे कि आज का सेशन रहा आपका वैसे ही वो भी सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ठीक है तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट फॉर्मलाम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी भाई 100 परसेंट हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन बाय नन अदर देन मैग्नेट ब्रेन ऐसा प्रोवाइडॉर्म जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100 फ्री एजुकेशन एजुकेशन हाई क्वालिटी फ्रॉम द टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज कोर्सेस दीज आर आर टॉप कोर्सेज विच सी बी एस ई इंग्लिश या हिंदी मीडियम में एन टी एस हो ओलंपियाड हो सीयूटी हो आई टीजी हो नीट हो यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो स्पोकन इंग्लिश हो बैंक या इंश्योरेंस हो आर हो एस हो यूपीएससी हो जे हो या सी ए हो इन सब कोर्सेज को आप देख सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे विच इज यूट्यूब ऐप एंड वेबसाइट हमारे YouTube चैनल्स बहुत सारे हैं जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स हो गया मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन हो गया मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम हो गया मैग्नेट ब्रेन आई टी जी नीट हो गया उन सबको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे ठीक है इसके अलावा प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट सर्च कर लीजिए हमारी which is तो या तो आप सीधे सीधे यूआर पर डाल दो मैगनबे डॉट कॉम या फिर आप गूगल पे सर्च करो मैग्नेट ब्रेन पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तब भी आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे वेबसाइट का नाम ध्यान रखो मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम ठीक है इन सब प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी हंड्रेड परसेंट फ्री वॉचिंग यूट्यूब पे तो है ही यूट्यूब पे तो कोई दिक्कत है नहीं यूट्यूब पे तो हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वॉचिंग है इवन हमारे ऐप पे और हमारी वेबसाइट पे भी आपको 100% फ्री वाचिंग मिल जाएगी सारा कंटेंट यहां पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा बेसिकली ये प्लेटफॉर्म ने आप लोग के लिए बनाया है इसलिए ताकि आप यहाँ पे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको ठीक है यहाँ प्लेटफॉर्म पर भी आपको हंड्रेड फ्री एजुकेशन मिल जाएगी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मिल जाएगी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ठीक है तो यहां पर भी 100% फ्री वाचिंग है यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई कूपन लेना है कूपन कोड अप्लाई करना है या कुछ बाय नाउ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर भी पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दो चैप्टर से दो वीडियोस के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है ऐसा कुछ भी नहीं है सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोग के लिए बस आपको करना क्या है आपको आना है इन वीडियोस को देखना है इनसे सीखना है इनसे डाउट्स पूछने हैं प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दैट इज वॉट वी नीड फ्रॉम यू जस्ट गुड मार्क्स बाकी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पर तो गाइज अगर अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है अच्छा एक चीज और कि यार, अगर किसी भी अपडेट के लिए अगर आप मिस करते थे अपडेट्स को तो स्टेट यूनिविदर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेज यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम हर जगह है भाई हम लोग सो स्टेट यूनिविदर्स फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं ठीक है तो गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कंटेंट अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है आपके लिए किडर गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक सॉरी गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं है। so, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे इसी तरीके से बने रहेंगे राइट मैं आप सुनता हूँ बाय थैंक यू वेरी मच